दोस्तों सेंट लुसिया T10 ब्लास्ट जो 11 जून से शुरू होने वाला था, अचानक कुछ कारण के चलते इसको पोस्टपोन करना पड़ा था और जून के आखिर में इसको खेला जाएगा ऐसा सुनने को मिला था। तो दोस्तों आपको बता दूं, फाइनली सेंट लुसिया T10 ब्लास्ट का नया शेड्यूल निकल चुका है और दो टीमों की कॉन्फर्म स्क्वाड भी घोषित हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको उसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, कब से ये लीग शुरू होने वाला है, कितने मैचेस खेला जाएगा, कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं और टीवी या मोबाइल पर आप लोग इसको कैसे देख पाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप क्रिकेट और आईपीएल से जुड़े हुए वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और आप चाहे तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आईडी आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेंट लुसिया T10 ब्लास्ट जो 11 जून से शुरू होने वाला था, अब नए शेड्यूल के मुताबिक 23 जून से शुरू होने वाला है और 8 जुलाई इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 16 दिन ये लीग चलने वाला है और 16 दिनों में टोटल 30 मैचेस हम लोगों को देखने को मिलेगा। टीमों के बारे में अगर बात करें तो टोटल 10 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और पूरा टूर्नामेंट राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, यानी कि 5 टीमों की दो दो ग्रुप होने वाला है। और अब टीमों के नाम आप आपके स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। और आपको बता दूं, सभी टीमों में काफी बड़े बड़े वेस्ट इंडीज खिलाड़ी खेलने वाले हैं, तो उसके बारे में वीडियो के आखिर में बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों टाइमिंग के बारे में अगर बात करें तो हर दिन 2 मैचेस खेला जाएगा। तो पहला मैच भारत के समय अनुसार शाम के 6 बजे से और दूसरा मैच रात के 8 बजे से देखने को मिलेगा। दोस्तों सभी मैचेस डेरेन सेमी स्टेडियम पर खेला जाएगा और ये लीग में कोई भी ऑडियंस अलाउ नहीं होने वाला है, यानी कि क्लोज डोर में ही खेला जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं, प्लेयर्स ने इस लीग को लेकर प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं और इस लीग का 2 प्रैक्टिस मैच भी खेला जा चुका है। अब दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो आपको बता दूं, ड्रीम इलेवन का साथ इस लीग को मिल चुका है, यानी कि सभी मैचेस ड्रीम इलेवन पर अवेलेबल हो जाएगा। और भारत में इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए टीवी चैनल के साथ बातचीत चल रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई कॉन्फर्म न्यूज नहीं मिला है, लेकिन मोबाइल पर आप इसको बड़ी आसानी से फैनकोड ऐप पर देख पाएंगे। इसके लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर से फैनकोड ऐप को डाउनलोड करना होगा। और आखिर में दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक सिर्फ 2 टीमों की ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और डेरेन सेमी जॉनसन चार्ल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी का नाम सुनने को मिल चुका है। तो इन दोनों टीमों का कॉन्फर्म स्क्वाड आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अभी तक सिर्फ इन दोनों टीमों की कॉन्फर्म स्क्वाड घोषित हो चुका है, पर फुल शेड्यूल और बाकी टीमों की कॉन्फर्म स्क्वाड जल्दी घोषित होने वाला है। तो जब भी कोई अपडेट मिलेगा वीडियो के जरिए आपको अपडेट दे दूंगा। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप ये लीग देखने वाले हैं कि नहीं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।